नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। कोरोना से पाकिस्तान की कमर टूट गई है और अर्थव्यवस्था बैक गियर में चल रही। फिर भी पाकिस्तान सीमा पर रोज सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और गोलीबारी जारी है। इसके साथ ही साथ अब खबर आ रही है कि इस्लामाबाद से भारतीय विदेश सेवा के 2 अधिकारी लापता हो गए। इन अधिकारियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत ने अधिकारियों के लापता होने के मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वे अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया। दोनों ही ड्राइवरों की तलाश की जा रही है। भारत ने पाकिस्तान सरकार को इन ड्राइवरों के लापता होने की सूचना दे दी। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और उसी वजह से इस्लामाबाद में काम कर रहे भारतीय राजनयिकों और दूसरे स्टाफ के लिए हालात मुश्किल और खतरनाक होने की आशंका पैदा हो गई। इस बीच भारत की कोशिश है कि वहां काम कर रहे भारतीयों के लिए कोई परेशानी खड़ी ना हो। माना जा रहा है कि अपने अधिकारियों के पकड़े जाने से बौखलाया पाक अब वहां काम कर रहे भारतीयों को फंसाने की फिराक में। दोनों अधिकारियों के लापता होने से ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई। भारत के उच्चायोग के लिए सामान्य तरीके से काम करना दूभर होता जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और उन 2 अधिकारियों से संपर्क कब होता है। फिलहाल तो अभी अधिकारी लापता है।